बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब बरामदगी का सिलसिला जारी है। लगातार पुलिस छापेमारी कर शराब बरामद करने के साथ ही तस्करों को भी गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में बिहार राजधानी पटना में मद्य निषेध विभाग की टीम ने लाखों रुपए की शराब की खेप को जब्त किया है। सूचना के आधार पर निषेध विभाग ने पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके में 50 लाख की शराब जब्त की। थाना प्रभारी मुकेश कुमार दुबे ने कहा कि ट्रक में धान का भूसा लदा हुआ था, उसके पीछे 757 कार्टून अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पड़ी थी जो बख्तियारपुर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब को जब्त कर लिया। इस मामले में ड्राइवर और खलासी को दोनों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि शराब माफिया ने यहां तक शराब पहुंचाने के लिए उसे 20,000 रुपए दिए थे। क्या पकड़ा है? मामला है कि एक ट्रक में 797 कार्टून शराब बरामद हुआ है। वो ट्रक NRI पेट्रोल पंप के पास से ही पकड़ाया है और इसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक ड्राइवर है और खलासी। लगभग कितनी कीमत होगी? लगभग वही 50 लाख की लगभग। सर अपना नाम बता दें। मेरा नाम मुकेश कुमार दुबे। पंचायत चुनाव, दीपावली और छठ को देखते हुए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी दौरान ये सफलता मिली है। ट्रक विदेशी शराब से लदा था जिसे जब्त कर लिया गया, जिसमें लगभग 757 कार्टून विदेशी शराब भी थी जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल निषेध विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस ने मौके पर विदेशी शराब से भरे ट्रक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।